बी हैप्पी ऑलवेज, हमेशा खुश रहो। ये एडवाइस जो भी देता है वो बहुत ही अपनी ज़िंदगी में खुद ही दुखी होगा, और अच्छी एडवाइस नहीं है ये। भाई लोग तो ऐसे कहते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, आप कह रहे हो हमें हमेशा खुश नहीं रहना चाहिए, आप क्या बातें कर रहे हो, खुश तो सभी रहना चाहते हैं। तो ये बात करने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि जो खुश नहीं है उसकी ज़िंदगी फिर कोई ज़िंदगी थोड़ी है। देखो समझाता हूँ, होता ये है ना कि हमारे ज़िंदगी के दुख है ना 95% इसीलिए ही है कि हम हमेशा हैप्पीनेस को ही चेज करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में केवल और केवल चाहते हैं कि हम खुश रहें। बाकी जो इमोशंस होते हैं, जैसे कि हमें गुस्सा आ रहा है, हम दुखी हैं, हमें रोना आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें जेलेसी हो रही है, हम इन बाकी जो इमोशंस होते हैं ना, इनको हम इतना तुच्छ मानते हैं, इनको हम इतना नीचा मानते हैं कि इनको हम कुछ रेस्पेक्ट देते ही नहीं हैं, इनको हम दबाने की कोशिश करते हैं। अगर गुस्सा आ रहा है तो मैं दबा लेता हूँ उसको, ये अच्छा नहीं है। हैप्पीनेस को तो टैग दे दिया कि हैप्पीनेस इज़ गुड, गुड हैप्पीनेस तो अच्छा अच्छा है, और जो बाकी जितने भी होते हैं ना इसके अलावा, जो भी हमारे हिसाब से गलत है इमोशंस, उनको हमने टैग दे दिया है कि ये तो अच्छे इमोशंस नहीं है। गुस्सा अच्छा इमोशन नहीं है, रोना अच्छा इमोशन नहीं है, दुखी होना अच्छा इमोशन नहीं है। तो जो हमने ये भेदभाव कर दिया है ना इनके बीच में, इमोशंस के बीच में, उसकी वजह से हमारे मेंटल हेल्थ की वाट लगी हुई है। देखो अगर तुम ऐसा करो, जो बेसिक मेडिटेशन की फॉर्म भी होती है, जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो तुम्हें यही समझाया जाता है, किसी भी फीलिंग से, किसी भी भावना से हेट मत करना। जितनी भी फीलिंग्स है ना उनको आने देना, और उनको तुम्हें बस बैठे बैठे देखना है, भले खुशी आए या फिर भले गुस्सा आए या फिर भले क्रोध आए या फिर भले दुख आए, कोई भी आई इमोशंस, तुम्हें बस उनको देखना है, तुम्हें बस उनको समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, तुम्हें सबको समान भाव से देखना है। फिर जो तुम्हारी आती है ना फीलिंग, वो फीलिंग नहीं होती, वो तुम्हारी न्यूट्रल स्टेट होती है, उसको बोलते हैं कामनेस। जो जिसको ना तुम हैप्पीनेस बोल सकते हो, जिसको ना तुम दुख बोल सकते हो, वो तुम्हारी रॉ फॉर्म होती है। उसमें जिस फॉर्म में कुछ इमोशंस तुम्हें नहीं आ रहे होते हैं, वो फॉर्म होती है तुम्हारी। तुम्हें जिंदगी में तुम खुद ही चुन लो, तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए, तुम्हें जिंदगी में सिर्फ हैप्पीनेस, सैडनेस, क्रोध, ये चाहिए इमोशंस के आजू बाजू तुम्हें घूमना है, या फिर जो एक तुम्हारी स्टेट है नेचुरल स्टेट, जहाँ तक तुम नहीं पहुँच पाए हो, क्योंकि तुम अभी भी अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, उसको नापने के लिए, जो जितने बाकी भावनाएं होती हैं, जितनी भी बाकी इमोशंस होती है, उनको लेके चल रहे हो। क्या चाहिए तुम खुद ही फैसला कर लो। हैप्पी रहना है, पीसफुल रहना है, ये मैं भी जानता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ होती है हैप्पी रहना, बट ये तुम 2400 घंटे नहीं रह सकते, क्योंकि हैप्पीनेस भी एक काइंड ऑफ इमोशन ही है, जो तुम्हें तब आता है जब चीज़ें तुम्हारे हिसाब से हो रही होती है। जब चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही होती है तब वो हैप्पीनेस नहीं रहेगी, तब तो बाकी इमोशंस आएंगे। और जब बाकी इमोशंस आते हैं, जैसे कि तुम्हें दुख होगा, तुम्हें जेलसी होगी, तुम्हें दूसरों से कंपेरिजन करोगे, तुम्हारे मन के अंदर सैडनेस आएगी, तुम्हें एंजाइटी होएगी, तुम डिप्रेस रहोगे, तो तुम उसे टैग दे देते हो कि ये चीज़ें तो बुरी ही बुरी है। इसी वजह से तुम कभी भी इमोशंस को समझ ही नहीं पाई ना, तो उसको दबाओ कि नहीं मेरे को गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, नहीं मेरे को तो ना रोना ही नहीं चाहिए, और ना ही तुम उस पे हाथों हाथ रिएक्ट करो कि आ गया गुस्सा तो कर दिया, रोना आ रहा है तो हाथों हाथ रो दिया। नहीं, जो भी सबसे पहले इमोशन आ रहा है उसको देखो, अंडरस्टैंड करो, समझो कि ये चीज़ है तो ये आ क्यों रही है, सबसे पहले देखो कि मेरे साथ हो क्या रहा है। देखो होता ही है ना कि हम ना इंसान ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम अपने आप को जानवरों से बेटर बताते हैं, जानवरों से स्मार्ट बताते हैं, पर हमें जो हमारी भावनाएं है ना उनको समझने के लिए जो एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए था, उनको देखने का एक जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए था, वही हमारे पास नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, ज़िंदगी को आगे लेके जाने के लिए सिर्फ एक ही भावना है, उसको हमने अपना फेवरेट मान रखा है, वो है हैप्पीनेस। इमोशंस विल कम इन टू योर माइंड एंड गो। कैसे मान सकती हो कि इमोशंस मेरा पार्ट है बट ये इमोशंस मैं नहीं हूँ। इमोशंस से और ये जो जितनी भावनाएं आती है इनको देखो और इनको खुद से अलग मानना स्टार्ट कर दो। पहले ये चीज़ें नहीं होंगी, बट जैसे जैसे तुम ध्यान करने बैठोगे वैसे तुम धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें उतारना स्टार्ट कर दोगे। देखो तो जो लोग ना एकदम मेडिटेशन भी करते हैं ना, इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, उन्हें भी ध्यान कैसे करना है उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लोग गलत देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ध्यान करने बैठना तो तुम्हें एकदम शांत होना है, तुम्हें कोशिश क्या करनी है कि तुम एकदम शांत रहो। अरे भाई, तभी तो मेडिटेशन लोग कर नहीं पाते, तभी तो मेडिटेशन लोगों को हार्ड लगती है। मैं मेडिटेशन में शांत नहीं होना, ये मुझे एक साल बाद में पता चला था, जर्नी होती है ना मेडिटेशन की, वो बहुत बाद में पता चलती है चीज़ें। शांत वांत नहीं होना है तुम्हें मेडिटेशन में भी, उसमें भी तुम्हें जितने भी इमोशंस आ रहे होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में हुई हुई है फिट बचपन से लेके अभी तक, जो भी ट्रॉमा, जो भी पेन है,
वो जो आएगी ना फीलिंग्स, तो उन्हें देखना है तुम्हें, उन्हें समझने की कोशिश करनी है। एक चीज़ होएगी, या तो तुम अपने जो फीलिंग्स दबा रहे हो, तो या तो ये होगा कि एक दिन तुम्हें हार्ट अटैक आएगा और तुम जाओगे इस दुनिया से, या फिर तुम्हें कोई और होएगी बीमारी, तुम जाओगे दुनिया से। क्योंकि जितना तुम उस फीलिंग को दबा रहे हो, उतना ही वो तुम्हारी फिजिकल बॉडी पे काम करती है। या फिर ये होगा, तुम्हारा एक दिन इतना गंदा ब्रेकडाउन होगा, उस दिन तुम गुस्सा इतना गंदा करोगे, एक दूसरे पे फटोगे, तुम्हारा महीना इतना गंदा निकलेगा। इससे अच्छा अभी से ही जो चीज़ें हैं उनको समझना स्टार्ट कर दो, और चीज़ों को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना स्टार्ट कर दो। कभी भी एक फीलिंग को अपना फेवरेट मत मानो, या कभी भी खुद को ये मत मान लेना कि मैं तो ये फीलिंग ही हूँ। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मैं गुस्सा बहुत आता है, मैं तो खुश ही खुश रहता हूँ। नहीं, तुम्हें और भी फीलिंग आती है, पर तुम इतने मूर्ख हो या फिर तुम जानबूझ के बन रखे हो, क्योंकि तुम्हें खुद को कूल समझना है, पता नहीं क्या समझना है, दुनिया के किसी स्टैंडर्ड में तुम्हें फिट होना है वो तुम जानते हो, वो बस भाग रहा है फीलिंग से। इसका मतलब ये नहीं है कि खुश नहीं रहना है, इसका मतलब ये खुश रहने की एक्टिंग नहीं करनी है, फिर दिमाग में ये मान के नहीं बैठ जाना है कि हमेशा अगर मैं खुश रहूँगा तो ही वो अच्छी बात है, और बाकी इमोशंस आ रहे हैं तो वो गंदी बात है, वो इमोशंस तो गंदे हैं, वो मुझे दबाने की ज़रूरत है। नहीं, हर इमोशंस को एक्सपीरियंस करो, हर इमोशंस को समझो। भले गुस्सा आ रहा है तो उसको एक्सपीरियंस करो, भले अगर दुख हो रहा है तो उसको एक्सपीरियंस करो, जेलसी हो रही है उसको एक्सपीरियंस करो, हर चीज़ों को करो एक बार एक्सपीरियंस। अगर हॉर्नी फील कर रहे हो, तुम्हें हवस हो रही है, उसको भी एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस करने का मतलब ये नहीं उसमें डूब जाओ। अब इस वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट करना नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो जो चीज़ आ रही है उस पर मतलब रिएक्ट कर दो, हॉर्नी फील कर रहे हो तो मास्टरबेट कर लिया। नहीं, देखो उसको, जितना चीज़ों को खुद से अलग हो के, खुद से डिफरेंट हो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि मैं अलग हूँ और ये जो इमोशंस आ रहे हैं वो अलग हैं, भले वो हैप्पीनेस ही क्यों ना हो, उतना ही अपने रियल फॉर्म से जुड़ना स्टार्ट हो जाओगे। स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा नहीं जाते हुए, वो कभी अपन और आगे करेंगे कवर, बट तुम्हें भी ये चीज़ पता है यार, अगर रियलिटी की बात करें तो ये बॉडी तो मैं नहीं हूँ ना, इसके इमोशंस तो मैं नहीं हूँ ना, मैं जो हूँ वो तो मैं मेडिटेशन करते वक्त थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता होगा। सोते होगे जब कोई सपना नहीं आ रहा होता है, वो जो स्टेट होती है वो एकदम शांति की, वहाँ पे ना होती है खुशी होती है ना दुख होता है, बट फिर भी वो स्टेट वो होती है जो तुम रियल सेल्फ होते हो, वहाँ पे कुछ थॉट नहीं आ रहा होता, वहाँ पे कुछ इमोशंस नहीं आ रहा होता। तो हर फीलिंग को इज्जत दो, कोई भी फीलिंग खराब नहीं होती और कोई भी फीलिंग अच्छी नहीं होती है। ये दुनिया है ना, ये जिसने तुम्हें पागल बना रखा है, जितना अपने थॉट को देखोगे कि भाई ये क्यों हो रहे और कैसे हो रहा है और ये फीलिंग क्यों आ रही है, बिना कुछ करे बस देखो उस चीज़ को, और ध्यान कर रहे हो तो भी यही करो, ऑब्जर्व करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी फीलिंग्स धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अब ये जो फीलिंग्स है आएगी भी तो ये तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी, फिर तुम इन फीलिंग्स को कंट्रोल करोगे, कब मेरे को ये चीज़ इस्तेमाल करनी है और कब नहीं करनी है, कब मेरे को गुस्सा करने की जरूरत है और कब नहीं जरूरत है, तुम्हारे हाथ में होएगी। और जब तक ये मान के बैठे हो ना जिंदगी में कि हैप्पीनेस ही रहना है, हैप्पी रहना है, और बाकी जो फीलिंग्स आ रही है उनको जबरदस्ती दबाए जा रहे हो, जबरदस्ती नहीं करना गुस्सा, नहीं करना गुस्सा, पहले बोल चुका हूँ, या तो एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रेक डाउन कर दोगे, बुरी तरह गुस्सा करोगे, क्योंकि अंदर जो दबा रखा होगा वो बाहर आएगा फूट के, होता है, आई हैड एक्सपीरियंस इट। या फिर ये होगा कि कोई ना कोई हो जाए ये अंदर ही अंदर बीमारी, भावनाओं को दबाओगे तो बीमारियाँ होती है, आई हैड एक्सपीरियंस इट आल्सो, दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी है मैंने, ठीक है। जैसे रियल फॉर्म कही जाती है, तो वहाँ तक अगर इतना ही शौक है पहुँचने का कि तुम हैप्पी हैप्पी रहो, तो पहले सारे जितने भी हैं इमोशंस उसको समझोगे, तब भी तुम पीसफुल असली मायने में पहुँच पाओगे। वो वाली स्टेट होती है जहाँ पे कोई इमोशंस का तुम पे फर्क पड़ता ही नहीं है, किसी भी फीलिंग को दबाना मत, हर चीज को अच्छे बुरे का टैग देना मत, बस तुम्हें सामना करना है चीज का और देखना है। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आई होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो, बाय।